वो ये क्या खा रहा है? ये ना वाइटामिन्स है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, पिछले 6 महीने से खा रहा हूँ। अच्छा, इससे क्या होता है? अरे बड़ी सही चीज़ है यार, इसके ना 2 मेजर फायदे हैं। वो क्या? पहला तो कहते हैं कि इसको खा के ना मेमोरी बड़ी शार्प हो जाती है, बंदा कुछ भूलता ही नहीं है। ये तो सही है। और दूसरा? दूसरा क्या था? पहला था मेमोरी शार्प और भूला। यार दूसरा तो याद नहीं आ रहा अभी। अगर आपके बाल झड़ते हैं, दिन भर थकान रहती है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, गम्स ब्लीड करती हैं या बॉडी में पेन रहता है, तो चांसेस हैं कि आपके शरीर में किसी विटामिन मिनरल की कमी हो। लेकिन क्या आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? इनसे फायदा होता है या नुकसान? कौन से हैं भारतीय मार्केट में बेस्ट मल्टीविटामिन? शेयर करूंगा आपसे 3 ऑप्शंस। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। मल्टीविटामिन इंडस्ट्री सिर्फ US में ही 3,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, इतना कि हर 3 में से 1 अमेरिकन मल्टीविटामिन लेता है। और पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड भारत में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन क्या इन गोलियों का फायदा होता है? डिपेंड करता है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि भारतीय मार्केट में मौजूद 90% से भी ज़्यादा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो गोलियों में विटामिन्स मिनरल्स डाले जाते हैं, इनका सोर्स मेंशन ही नहीं होता। फल सब्जियों से निकाले हैं या किसी लैब में सिंथेटिक तरीके से बनाए गए हैं, एक आम ग्राहक को पता ही नहीं लग पाता। आप खुद किसी मल्टीविटामिन के डब्बे के पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखना, आप पाएंगे कि सिर्फ केमिकल नेम्स लिखे होंगे। अब विटामिन मिनरल तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जानवरों के अंगों से भी एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ये तो वही बात हो गई कि अगर बॉडी में आयरन की कमी है तो लोहे का पीस चबाने लग जाओ, ऐसे थोड़ी ना बॉडी यूज कर पाएगी। स्टडी से पता चला है कि सिंथेटिक विटामिन मिनरल्स को बॉडी प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करती और यूरिन के रास्ते बाहर फ्लश कर देती है। ये एक मेजर कारण है जिस वजह से डेली विटामिन मिनरल्स की गोलियां खाने के बावजूद भी लोगों की कमी पूरी नहीं हो पाती और प्रॉब्लम्स वैसे की वैसे बनी हुई हैं। दोस्तों, ऐसी गोलियां खाने से बस मन को ही तसल्ली मिलती है कि विटामिन मिनरल्स खा रहे हैं, बॉडी को कुछ खास फायदा नहीं होता। इनफैक्ट रिसर्च से ये सामने आया है कि ऐसे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स को लगातार खाने से बॉडी को नुकसान हो सकता है। पता है मेजर कारण क्या है? वो ये कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रेगुलेटरी गाइडलाइंस बहुत वीक हैं। ये दुख की बात है कि कंपनियों को मल्टीविटामिन पिल्स की इफेक्टिवनेस प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ये कि आप अभी घर बैठे मल्टीविटामिन के कैप्सूल बना के बेच सकते हैं, आप पर कोई केस नहीं कर सकता। इन वीक रेगुलेशंस का ब्रांड्स गलत फायदा उठाते हैं, जिस वजह से कितने ही फेक सप्लीमेंट्स की बात सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 83% फिश ऑयल कैप्सूल्स में ऑयल पैकेजिंग से पहले ही खराब हो जाता है। अब आप सोचें कि इन्हें खाने से आपका हार्ट हेल्दी हो रहा है, तो ये खुद को धोखा देने वाली बात है। तो क्या हमें हर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट को मना कर देना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। 2 चीज़ें ध्यान में रखें। पहली तो ये कि विटामिन्स मिनरल्स की गोलियां ऐसे रूटीन में कैजुअली नहीं खानी चाहिए। हाँ, अगर कोई डेफिशिएंसी डायग्नोज हो और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो कुछ दिन के लिए ली जा सकती हैं। रोज़ मल्टीविटामिन की गोली खाने की आदत बना लेना ठीक नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कि मल्टीविटामिन वही खानी चाहिए जिसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में फूड सोर्सेज मेंशनड हो। मतलब ये कि नेचुरल होनी चाहिए, सिंथेटिक नहीं। मैंने ऐसी कुछ जेन्युइन मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। वैसे आयुर्वेद में भी मल्टीविटामिन फॉर्मुलेशंस की कमी नहीं है। शेयर करता हूँ आपसे 3 सेफ ऑप्शंस। पहली है आयुर्वेद की क्लासिकल नवरत्न रस टेबलेट। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, नवरत्न रस 9 रत्नों के एक्सट्रैक्ट से बनी है। आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में वर्णित शोधन का एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू नवरत्नों की भस्मों से इस गोली को बनाया जाता है। इसके इतने फायदे हैं कि मार्केट की बाकी मल्टीविटामिन पिल्स इसके आगे पानी कम है। इसका पूरा फायदा लेने के लिए आपको एक गोली 3 महीने के लिए लगातार सुबह या शाम दूध के साथ लें, फिर 1 महीना बंद कर दें, दोबारा जरूरत पड़े तो शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पथरी है तो फिर ना लें। इसकी 30 गोलियां आपको पड़ेंगी 750 रुपए की। सेकेंड ऑप्शन है व्हीट ग्रास।
दोस्तों व्हीट ग्रास यानी गेहूं के ज्वारे में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, सी, ई, के और भी काफी फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स होते हैं, जिस वजह से आज इसे सुपर फूड माना जा रहा है। व्हीट ग्रास जूस, पाउडर, टेबलेट और कैप्सूल हर फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट से एक घंटे पहले पानी के साथ ले लें। 2-3 महीने में असर दिख जाएगा। व्हीट ग्रास की 120 टेबलेट आपको पड़ेंगी लगभग 300 रुपए की। तीसरा ऑप्शन है पुनर्नवासव। दोस्तों जब लिवर में टॉक्सिन्स का ओवरलोड हो जाता है तो हमारी बॉडी खाने में से एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। आयुर्वेद की ये क्लासिकल फॉर्मुलेशन जो पुनर्नवा, आंवला, हरड़, बहेड़ा, गोक्षुरा और द्राक्षा जैसे 25 हर्ब से बनाई गई है, ये सीधा लिवर पे ही वर्क करती है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये शरीर को पुनः नया कर देती है। आप इसके 4 चम्मच इक्वल पानी मिलाकर खाने के बाद दिन में एक बार ले लें। लगातार 2 महीने लेने से बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी को पूरा कर देगी। इसकी 450 ml बॉटल पड़ेगी 150 रुपए की। वैसे दोस्तों हम बड़े लकी हैं क्योंकि भारत की मिट्टी और मौसम इतना फेवरेबल है, जिस वजह से यहाँ इतने प्रकार के अनाज, दालें, ड्राई फ्रूट, फल और सब्जियाँ उगती हैं कि अगर कोई अपनी डाइट में वैरायटी रखे, लोकल और सीजनल खाए तो किसी भी विटामिन मिनरल सप्लीमेंट की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि विटामिन मिनरल्स की कमी होने का मेन कारण ये है कि हम बाहर की न्यूट्रिशन लेस चीज़ें खाते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, सूरज और चांद की रोशनी से दूर भागते हैं और रात को अपनी स्लीप पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा भी ठीक कर लें तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स ठीक होने लगी। मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं ना ही किसी ब्रांड के साथ हूँ और ना ही किसी के खिलाफ। मैं किसी भी प्रोडक्ट को उसके इंग्रेडिएंट्स और प्रॉपर रिसर्च के बेसिस पे ही जज करता हूँ। इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट मैंने रिकमेंड किया है उसके लिए मुझे पैसे नहीं मिले। रीकैप करूं तो मार्केट में ज़्यादातर विटामिन मिनरल गोलियां सिंथेटिक हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती और यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती हैं। मल्टीविटामिंस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स चेक करने के बाद ही लें। नेचुरल मल्टीविटामिंस के तौर पे आप नवरत्न रस, व्हीट ग्रास या पुनर्नवा आसव ले सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी डाइट में अलग अलग प्रकार के अनाज, दालें, ड्राई फ्रूट, फल और सब्जियां खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें और स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज ना करें तो शरीर में किसी भी विटामिन और मिनरल की कमी होगी ही नहीं। दोस्तों अगर आपको लगा कि इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर बात करें स्किन के लिए एक नेचुरल सप्लीमेंट की तो आप चेक कर सकते हैं आयुगा का 100% कुमकुमादी स्किन रेडियंस फेस ऑयल। पैक को घुमा के देखो और आप पाएंगे कि ये एक ऑथेंटिक फॉर्मुलेशन है जो बनी है केसर, चंदन, बकरी के दूध और 20 जड़ी बूटियों से, जो चेहरे का ग्लो बढ़ाते हैं। ग्रंथ का नाम भी मेंशन किया हुआ है। यूज़ करने के लिए थोड़ा सा लेकर मसलें और चेहरे पे लगा लें। कंपनी की रिकमेंडेशन है कि आप इसे एक स्पेशल पोस्चर में ही लगाएं। अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए मशहूर ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र है सभी स्किन टाइप्स के लिए। आयुगा का USDA ऑर्गेनिक, आयुष लाइसेंस्ड, मेड सेफ और क्रूअल्टी फ्री 100% कुमकुमादी स्किन रेडियंस फेस ऑयल खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 20% ऑफ। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।